किसी फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने कहा है, वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, और यह लाइन क्राइम सीन फोटोग्राफी पे बिल्कुल फिट बैठती है। एक इन्वेस्टिगेटर किसी क्राइम सीन को वर्बली जितनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेगा, फोटोग्राफ्स उसी क्राइम सीन की स्टोरी को उससे कई गुना बेहतर और आसान तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरा ये कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेटर को फोटोग्राफी में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। क्राइम सीन की फोटोग्राफी जनरल फोटोग्राफी से काफी अलग होती है। क्राइम सीन की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने से पहले, किसी भी आइटम को टच करने या उसकी असली जगह से मूव करने से पहले, एक इन्वेस्टिगेटर को क्राइम सीन की फोटोग्राफी कर लेनी चाहिए। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सीरीज की इस वीडियो में हम क्राइम सीन फोटोग्राफी पे बात करेंगे कि क्राइम सीन फोटोग्राफी में किस तरह के कैमरा यूज किए जाते हैं, किसी एविडेंस या पूरी क्राइम सीन की कितनी फोटो क्लिक करनी होती है, फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं, और सबसे खास बात, क्राइम सीन की वीडियो टेप कैसे बनाई जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजशेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइम सीन फोटोग्राफी में यूज करने के लिए बहुत तरह के कैमरे अवेलेबल हैं। पिछले कुछ सालों से क्राइम सीन फोटोग्राफी के लिए लार्जर फॉर्मेट कैमरा जैसे 4x5 या 120 ट्रेंडिंग में था, और ये कैमरा तो मेरा भी फेवरेट है क्योंकि यह कैमरा लार्जर निगेटिव बनाता है, जिससे फोटोग्राफ्स को जूम यानी कि इनलार्ज करने पे क्वालिटी कम नहीं होती है। यदि दो आइडेंटिकल सीन्स की फोटोग्राफी एक 4x5 कैमरा से की जाए और दूसरी 35mm कैमरा से सेम टाइप के फिल्म्स के साथ की जाए और उन्हें इनलार्ज किया जाए, तो जो फोटोग्राफ्स लार्जर फॉर्मेट कैमरा से ली गई होती है वो बेहतर रिजोल्यूशन शो करते हैं। आप इसके फोटोग्राफ्स में छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को भी पिक आउट कर सकते हैं। इसलिए लार्जर फॉर्मेट कैमरा के सामने मुझे तो 35mm कैमरा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन 35mm SLR कैमरा एक बेहतर कैमरा है। कई पुलिस डिपार्टमेंट इसे रूटीन सीन वर्क के लिए यूज में लेते हैं। इसके फिल्म की कॉस्ट, कैमरा की कॉस्ट भी काफी कम होती है और इसे यूज करना भी काफी आसान होता है। 35mm SLR कैमरा से फोटोग्राफी करने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे पॉइंट एंड शूट कैमरा भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो और सीधे शूट करो। पोलराइड कैमरा आइडेंटिफिकेशन फोटोग्राफ्स के लिए काफी यूजफुल होता है। पोलराइड कैमरा की फोटोग्राफ्स की क्वालिटी काफी हद तक एक्सेप्टेबल होती है। डिजिटल कैमरे की क्वालिटी में भी पिछले कुछ सालों से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। डिजिटल कैमरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी कॉस्ट भी काफी कम होती है। डिजिटल कैमरे से ली गई फोटोग्राफ्स को आसानी से कंप्यूटर से ऐड करके देख सकते हैं और उनकी इजीली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की बात करें, यानी कि हमें किसी स्पेसिफिक एविडेंस की कितनी फोटोग्राफ्स लेनी चाहिए, तो इसका कोई भी सिंपल आंसर नहीं है। लेकिन अगर मेरी माने तो हमेशा क्राइम सीन को ओवर शूट ही करें, मतलब हमेशा जरूरत से ज्यादा फोटोग्राफ्स को लें। किसी क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स लेने से हमारे कई पर्पज जुड़े होते हैं। इन फोटोग्राफ्स की मदद से आप विटनेस की यादों को ताजा कर सकते हैं। कलेक्ट की गई एविडेंसेस की आवश्यकता पड़ने पर क्राइम सीन से रिलेशन दूसरे ऑफिसर और कोर्ट के सामने आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी क्राइम सीन की फोटोग्राफी एक स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटर को अपनी फोटोग्राफी में इन सब बातों को जरूर शामिल करना चाहिए। फोटोग्राफी ऑफ द लोकेशन, हमें सबसे पहले क्राइम सीन की एरियल फोटोग्राफी करनी चाहिए। जैसे कि अगर क्राइम सीन इंडोर है तो हमें बाहर से डोर्स, विंडोज, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और पूरे क्राइम सीन को शूट करना चाहिए। विटनेस फोटोग्राफी, विटनेस फोटोग्राफी क्राइम सीन की ओवरऑल फोटोग्राफी होती है। विटनेस फोटोग्राफ्स कुछ इस तरीके से लिए जाते हैं कि वो फोटोग्राफ्स उस पर्सन को भी उस क्राइम सीन की पूरी स्टोरी को इजीली समझा दें जो उस क्राइम सीन पे कभी विजिट भी न किया हो। विटनेस फोटोग्राफ्स में क्राइम सीन की बहुत सारी फोटोज क्लिक करी जाती हैं।
जैसे कि लॉन्ग रेंज फोटोग्राफ्स, इंटरमीडिएट रेंज फोटोग्राफ्स, क्लोजअप फोटोग्राफ्स। लॉन्ग रेंज और इंटरमीडिएट रेंज फोटोग्राफ्स लेने के बाद सीन को और भी क्लियरिफाई करने के लिए हम क्लोजअप फोटोग्राफ्स लेते हैं। क्लोजअप फोटोग्राफ्स में हमेशा दो फोटोग्राफ्स लेने चाहिए, एक बिना स्केल के एजिटी जैसे वो वस्तु थी और दूसरी स्केल के साथ। एविडेंस फोटोग्राफ्स। एविडेंस फोटोग्राफ्स में उन सारे एविडेंसेस के फोटोग्राफ्स आते हैं जो हमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिलते हैं, जैसे कि शू इम्प्रिंट, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेंस, वेपन्स। फोटोग्राफ्स के साथ हमें एक फोटो लॉग भी तैयार करना चाहिए और उसमें केस नंबर, डेट, टाइम, फोटोग्राफर के नाम, कैमरे की टाइप, लेंस, फिल्म, इन सबको नोट डाउन करना चाहिए। उस लिस्ट में हमें कैमरे की शटर स्पीड, एफ स्टॉप और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट लोकेशन को भी नोट डाउन करना चाहिए। टाइप ऑफ लेंस भी किसी सीन की फोटोग्राफी को इफेक्ट करते हैं। एक नॉर्मल लेंस जो कैमरे में यूज किया जाता है वो ज्यादातर 50mm की 35mm फॉर्मेट में होती है। अगर क्राइम सीन इंडोर है तो मीडियम वाइड एंगल लेंस भी यूज किए जा सकते हैं। जब कभी भी लेंस को चेंज करें फोटोलॉग में उसे जरूर नोट डाउन करें। अगर हम वीडियो टेप की बात करें तो वीडियो टेप क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने का दूसरा मेथड है। लो लाइट वीडियो कैमरा एक आइडियल कैमरा होती है किसी क्राइम सीन को शूट करने के लिए। हमें वीडियो में पूरी क्राइम सीन को बाहर से अंदर की तरफ पूरी तरह शूट करना चाहिए। वीडियो शूट करते वक्त इन्वेस्टिगेटर चाहे तो क्राइम सीन को नरेट भी कर सकता है। हमें क्राइम सीन की नरेशन करते वक्त अपना नाम, टाइम, डेट, लोकेशन और केस नंबर को जरूर मेंशन करना चाहिए। अगर वीडियो टेप को एज एविडेंस यूज किया जाना है तो उसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्राइम सीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कैसे करते हैं हम इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे और हम उसमें खुद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही।